सभी लोगों से कि भारत रत्न अवार्ड जो चल रहा है किशोर दा के नाम पे, वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी उसको मतलब अप्लाई करिए, बिकॉज इनको नहीं मिला तो फिर किनको मिला। मतलब ये तो रत्नों के भी रत्न हैं, हमारे खजाने में से एक है। तो प्लीज़ मैं दरख्वास्त करूँगी कि ऐसा कुछ स्टेप कदम जल्दी उठाया जाए। थैंक यू सो मच। शिवानी, आप खंडवा की रहने वाली हैं, खंडवा को लेकर के मुंबई में क्या माहौल है, किस तरह से जाना जाता है खंडवा? फिलहाल तो सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है, किशोर दा की नगरी। जो इन्होंने द लेजेंडरी किशोर कुमार के बारे में जब हम बात करते हैं तो खंडवा का नाम आना ही चाहिए, क्योंकि वो खंडवा खंडवा करते ही गए हैं। और उनकी लास्ट इच्छा भी यही थी कि मुझे यहीं मेरा दाह संस्कार भी यहीं हो, चाहे मुंबई ने उन्हें बहुत कुछ क्यों ना दिया हो, लेकिन उनकी जो जन्मभूमि या जो उनका अटैचमेंट अपने घर से है वो कभी नहीं गया है, हम सब जानते हैं। तो मुंबई में अगर इन खंडवा जाना जाता है तो किशोर कुमार की नगरी करके जाना जाता है। और मतलब ये बोलने की बात नहीं है कि जाना जाना भी चाहिए, बिकॉज हमारे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को किशोर दादू ने इतना कुछ दिया है कि मतलब हर क्षेत्र में, सैड सॉन्ग्स ले लो, रोमांटिक ले लो, मतलब हर कोई उनके गाने सुन के बोलते हैं ना एकदम हर चीज़ भूल जाता है। तो और गाना एक ऐसी थेरेपी है, क्या कहा जाता है कि अच्छे से अच्छी बीमारी ठीक कर देता है। तो और किशोर दा का तो जो गला था, माय गॉड, मतलब मेरे हिसाब से अभी तक तो कहीं नहीं मिला है वैसा सुनने में। न्यू जनरेशन को हिप हॉप और रॉक टाइप के गाने पसंद थे, मगर किशोर कुमार जो है उनके जो एक मूड ही अलग एक अलग था। तो क्या आज आप भी एक युवा है तो क्या लगता है कि आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है? देखिए, मैं तो बोलूँगी बींग अ ओल्ड स्कूल, मैं तो एकदम, मेरे फैमिली में ही सारे सिंगर्स हैं, मेरे पापा, मेरे चाचा, दीदी, बुआ, सारे लोग गाना गाते हैं। और मेरा बचपन है ना हमेशा गज़ल, किशोर कुमार सॉन्ग्स, रफ़ी जी के सॉन्ग्स और इन लता जी के सॉन्ग्स, इन्हीं में बीता है। तो मैं अगर पर्सनल मेरी बात करेंगे, चाहे मैं युवा में की कैटेगरी में हूँ, बट मुझे आज भी वही सॉन्ग सूदिंग और कान को अच्छे लगते हैं जो इस ज़माने में हुआ करते थे। और जैसे कि शायद ही मेरा कहना नहीं होगा, सारे यूथ का होगा आज, कि हम जो आज के सॉन्ग सुनते हैं, नो डाउट बहुत बहुत अच्छे बन रहे हैं आज भी, लेकिन जो इनकी बात थी इस ज़माने की वो आज भी चल रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो रिमिक्स होके आ जाते हैं वो सॉन्ग, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो बात उस सॉन्ग्स में होगी जो आज भी बन के आ रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि मतलब वो गानों की बात अलग ही है, मतलब रिप्लेस नहीं हो सकते। अच्छा, आपकी बात करें, आपकी मुखिया में अहम किरदार निभा रही है, और क्या ऐसे कौन से ऐसे सीरियल्स हैं जिसमें आने वाले हैं? जी, आने वाली बातें तो मैं अभी नहीं बता सकती, बिकॉज अभी हमारा जो निमकी मुखिया है, निमकी विधायक हो गया है, सेकेंड सीजन आ गया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब सीजन 2 आता है तो उसमें भी नई चीज़ें जुड़ के आती है, तो मैं भी उसमें आने वाली हूँ। तो वो थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं कि मैं कैसे आने वाली हूँ, क्या होने वाला है। तो फिलहाल मैं अभी उसी पे ध्यान दे रही हूँ, और कुछ नया होगा तो खंडवा वालों को तो पता चलना ही है, नो डाउट। एक सवाल, किशोर कुमार खंडवा को एकदम अहम रखते थे, हर जगह खंडवा का जी, आप इस तरह का कोई स्टेप लेती हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले शिवानी चक्रवर्ती आने के बाद सेकंड खंडवा ही आता है, बिकॉज आप अपनी जन्मभूमि को कभी अवॉइड नहीं कर सकते हो, और वो एक खिंचाव हमेशा रहेगा। अब यहाँ के लोग मुझे कितना प्यार दें नहीं दें मैं नहीं जानती हूँ, बट मैं यहाँ के लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि जैसे किशोर दा को आप लोगों ने इस ऊँचाइयों पर पहुँचाया है, मुझे भी खंडवा में खंडवा की शिवानी ये बोल के ही जाना जाए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस ये ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना।
ना।